बात ये हो गई है कि अब विजय जब फाइनली जेल से आ गया है बाहर, तो अपने घर वालों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। तो उसने बुलबुल को कह दिया है कि अब हम इस घर में रुकेंगे ही नहीं, हम चले जाएंगे, अपने पुराने घर रहने चले जाएंगे। तो बुलबुल बहुत सारे पैंतरे आजमा रही है कि कैसे भी करके उसे वो इस घर में रोक सके, कैसे भी करके वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करवा सके दोनों की, भाभी और विजय और जो भी फैमिली वाले हैं और विजय के बीच में। तो ये सब उसी का प्लान है कि कुछ करे वो, कभी पूजा कराती है, कभी कुछ करती है, कभी बीमार पड़े कुछ कुछ करती है, ऐसी चीज़ें वो जिससे ना विजय रुक जाए। लेकिन उसके प्लान ना एक के बाद एक फ्लॉप होते जा रहे हैं। तो अभी इसमें भी काफ़ी बड़ा ट्विस्ट आया है हमारे इसमें कि बुलबुल का कुछ प्लान था और वो फ्लॉप हो गया है बहुत बुरी तरीके से। तो बड़ी कॉमेडी टाइप की सिचुएशन हो गई है, तो वही अभी हम शूट कर रहे हैं। तो अभी देखना पड़ेगा कि क्या होता है, क्योंकि हम लोगों को तो ऐसे ही लग रहा है कि अरे नकली हैं ये, तो जो हमने बुलाए थे वही चोर हैं, पर एक्चुअली वो आ गए हैं असली। तो अभी क्या होता है और हम कैसे बचते हैं इनसे, और हो सकता है ये एक ऐसी चीज़ हो जाए जिसकी वजह से विजय अपनी फैमिली के साथ वापस, यू नो, उन्हें प्रोटेक्ट करे, इन्होंने बचाए, इन वापस उनका कनेक्शन बन सके। तो विजय एक्चुअली ऑफिस गया हुआ है। आज विजय की रैली थी और हमने एक्चुअली आज चोरों को बुलाया ही नहीं था, हमने रैली, हमने विजय जब होता तभी बुलाया था, बट असली चोर आ गए, उनको थोड़ी ना पता विजय की रैली है। तो इसलिए विजय अपनी रैली और विजय अपनी ऑफिस में तैयारी वैयारी कर रहा है अपनी रैली की, इसलिए वो यहाँ नहीं है। अभी जब उसे पता चलेगा तो वो आएगा। आज मेरा बर्थडे है, थैंक यू सो मच। एंड पता नहीं, एक्चुअली अच्छा ही है बर्थडे के दिन काम करना, बहुत कम लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। तो मैं थोड़ी सी टायर्ड भी हूँ एंड मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, मतलब कल से मेरे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो उसका भी थोड़ा प्रेशर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट या फाइन, बर्थडे तो एक अलग एक्साइटमेंट भी है। चल रहा है सब, बस काम, बर्थडे एंड माई एग्ज़ाम्स एंड एवरीथिंग।